वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन नारायण ऑनर क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद जो है ये नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर है। हम लोग इसके थोड़े बेसिक में जाएंगे। बहुपद क्या होता है? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद के मतलब इसके शब्द से ही समझ सकते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना बहु और पद, यानी ऐसे बीजी व्यंजन जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा हुआ है 7x^5 प्लस 6x^4 प्लस 7x-5, ये एक बहुपद है। इसके पहले इसके कुछ स्टेप भी हैं, जैसे कि एक पदी बहुपद में एक पदी भी होता है, द्विपदी भी होता है, त्रिपदी भी होता है। मतलब ये है कि ये एक पदी तो उसमें केवल एक पद होगा, उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा। दो पदी हो तो उसके बीच में कोई ना कोई गणितीय चिन्ह जरूर होगा। जैसे हम यहीं लिखते हैं px लिखा हमने यहाँ पास और लिख दिया 7x लिख दिया, तो ये एक पदी है क्योंकि इसमें एक पद है केवल ये। इसी प्रकार हमने लिखा यहाँ पास px = 8x + 7, ये द्विपदी हो गया। फिर हम लिख दिया यहाँ पास px = 9x5 + 7x2 + 7, ये हो गया त्रिपदी हो गया है। सभी ये बहुपदी है, इनके पर जितने भी स्टेप आएगा प्लस करते जाएंगे माइनस करते जाएंगे वो बहुपद के अंतर्गत ही आएगा। इनमें से जनरली एक क्वेश्चन परीक्षा में आया करता है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। शून्य बहुपद की घात, इसकी जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है। और दूसरा क्वेश्चन होता है अचर बहुपद की घात, घात शून्य होती है। ये चीज हमको इसमें मालूम होना चाहिए। इसमें हम एक बहुपद एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पास, ये बहुपद है 7x² + 8x + 5। लेकिन इसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि बहुपद हम किसे बोलेंगे। यदि हमको क्वेश्चन आ जाए कि दिए गए बीजी व्यंजक में कौन कौन से बहुपद है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये तो ठीक है कि उसमें एक से अधिक पद होंगे तो वो बहुपद होगा। इसके अलावा हम किस यहाँ देखते हैं, यदि कोई इस प्रकार से कोई व्यंजक दिया हो 8x³ + 7x² + 5 और दिया हो 7x⁴ + 8x⁻² + 7 और दिया हो 9x³ + 7x² - 3x। तो इनमें से कौन से बहुपद हैं? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो बहुपद है, बहुपद में जो अचर पद हैं, अचर पद और चर पद, तो जो चर पद है या जो चर राशियां हैं उनका जो घातांक है वो धनात्मक होना चाहिए और एक से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि इसका घातांक तो ठीक है, इसका भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका घातांक कितना है, ये एक से कम है, अर्थात ये 1/2 है। इसका भी घातांक कितना है, 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से बीजी व्यंजक बहुपद होते हैं। बहुपद में जो चर राशियां हैं उनका जो घातांक है वो धनात्मक होना चाहिए और एक से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन और आया करता है इसमें कि दिए गए बहुपद की घात
या दिए गए बहुपद की घात कितनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है कि जो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ इस बहुपद में देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, तीन है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तीन हो जाएगी। इसमें यदि देखें इसकी घात, ये बहुपद तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं इस बहुपद में घात कितनी है, इसकी मैक्सिमम जो घात कितनी है इसकी दो है, तो इसकी बहुपद घात कितनी होगी, दो होगी। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि दिए गए बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक कितना है या x का गुणांक कितना है, तो इसको कैसे बताएंगे, जो भी उस चरराशि की जो पहली संख्या लिखी होगी वही उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे इसमें x स्क्वायर में के पहले जो लिखा, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, सात लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर गुणांक कितना होगा, इसमें x स्क्वायर का गुणांक ये हो जाएगा सात हो जाएगा। x का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें x का गुणांक इसमें हो जाएगा आठ हो जाएगा। तो ये भी हमको मालूम होना चाहिए। और इसमें जो है यदि एक ऐसा बहुपद लिखा हो पी एक्स इजकल टू फोर एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इस दिए गए बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, ये तीन लिखा हुआ है, यदि बोले सो तीन तो ये गलत हो जाएगा, हमको साथ में उसके चिन्ह को ही बताना है, तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हुई बहुपद के बारे में। तो बहुपद पढ़ने के पहले हमको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि बहुपद क्या है और कौन से व्यंजकों को, बीजी व्यंजकों को हम बहुपद बोलेंगे, उनके गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद घात कैसे चेक करते हैं, हमको मालूम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इन बहुपदों का जोड़ घटाना गुणा भाग इनका हम कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं यहाँ पास। तो पहला स्टेप यहाँ लिखते हैं, दो बहुपदों का योग, हम यहाँ दो बहुपद लिख रहे हैं, पहला बहुपद यहाँ हो गया 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, दूसरा यहाँ बहुपद है qx इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इनको हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पास पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी समान घातांक के जो चर रही हैं उसको, चर राशियाँ उसको साथ में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये 9x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर है, तो ये क्या करेंगे, इसको 9x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, अब इसके साथ में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 6x, यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 9, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 9 प्लस 8 बचेगा। इसके बाद एक्स इसमें कॉमन होगा तो 7 माइनस 6 प्लस, इन दोनों को जोड़ देंगे ये 14 हुआ। इसके बाद इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 चार 13 चार 17, 17 एक्स स्क्वायर, फिर इसमें कटाएंगे तो ये तो 1 ही आएगा, तो एक्स ही आ जाएगा यहाँ पास, ये आ जाएगा 14। इस प्रकार से हम इन बहुपदों का हम योग ज्ञात करते हैं। हम ये एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिससे और थोड़ा समझ में आ जाएगा चीज़ें। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पास एक पी एक्स इजकल टू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस
फाइव है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पास है, क्यू एक्स इजकल टू सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव। इसको हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पास पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस नाइन एक्स प्लस फाइव प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव। तो इसको जोड़ने में आएगा ये, हम इनके समान घातांक वाली संख्याओं को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर। अब क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है तो ये अलग ही रहेगा संख्या, ये नाइन एक्स, फिर इन दोनों जोड़ेंगे इसको तो फाइव प्लस फाइव ये हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा तो सेवन प्लस सिक्स और बाहर हो जाएगा नाइन एक्स और ये हो जाएगा दस। ये इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तेरह, यानी जाएगा तेरह एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टेन। इस प्रकार से हम हम दो बहुपदों का योग इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं कि इनका घटाना कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे इनको आपस में घटाते हैं। घटाने इसको अवकलन भी बोलते हैं। मान लेते हैं एक बहुपद दिया हुआ है यहाँ पास, ये हो जाएगा सिक्स एक्स क्यू प्लस, इसको इसको सबट्रैक्शन बोलते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पास फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। दूसरा यहाँ पास बहुपद है क्यू एक्स स्क्वायर टू फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है, इनको घटाएंगे आपस में तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस फाइव एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो हमने जैसा प्लस में किया था कि जो समान घातांक की जो राशि है उसको साथ में लिखेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो पहले जब इसका माइनस जब इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे अर्थात इसका जब ब्रैकेट हटेगा तो इसका सभी चिन्ह आपस में बदल जाएंगे तो हो जाएगा सिक्स एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस फाइव एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब इनको साथ में लिखेंगे तो सिक्स एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा। हम एक्स क्यू को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा सिक्स माइनस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर थ्री।
तो हो जाएगा एक्स क्यूब एट एक्स स्क्वायर माइनस 12। इस प्रकार से हम दो बहुपदों को इस प्रकार आपस में इनको घटाते हैं। अब देखते हैं दो बहुपदों का हम गुणा कैसे करते हैं। दो बहुपदों का हम यहां दो एग्जांपल ले रहे हैं। पहला इसमें बहुपद है 3x² + 7x + 3। या पहले दो लेते हैं, दो स्टेप लेते हैं। दूसरा लेते हैं यहाँ पास qx = 4x² + 8x। इनको आपस में गुणा करना है तो px * qx = हो जाएगा 3x² + 7x * 4x² + 8x। तो गुणा के लिए क्या करते हैं, पहले स्टेप का इसमें गुणा करेंगे, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे, इसके बाद इस दूसरी संख्या के इसके पहली संख्या से, फिर इसका इसके दूसरे से गुणा करेंगे। इस प्रकार से इनका आपस में गुणा करते हैं। साथ में हम इनके चिन्हों का भी आपस में गुणा करते हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अपने पास जो फार्मूला होता है बीजीय व्यंजक में, a + b * a + b, एक ही फार्मूला होता है। या इसको ऐसा कर लें यहाँ पास, ये तब होगा जब इनका दोनों ये जो संख्याएं समान होगी तभी ये मल्टीप्लाई होगा। इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं x + a * x + b। हम इसको ऐसे इसका फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना जब इसे गुणा करेंगे x² हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो bx, इसका करेंगे तो ax, इसका करेंगे तो ab आ जाएगा। तो जब इसका इससे गुणा करें तो इसका मान कितना आएगा, 3x² * 4x² + फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 8x * 3x² फिर इससे करेंगे तो 7x * 4x² फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 7x * 8x। तो क्या करते हैं, इसे प्रेस के अचर गुणा करेंगे, इसके बाद चर रेशियो का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 × 12। और इनका गुणा करेंगे जो कि दोनों का आधार सेम है तो इससे घातांक आपस में जुड़ जाएगा, यानी x^2 = 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12x^4 + इसका गुणा करेंगे 8 × 3 = 24 हो जाएगा। x^1 है, x^2 है, तो हो जाएगा x^3। इसके बाद 7 × 28, 1 × 2 इसकी दो हाथ हो जाएगा 28x³। फिर इससे गुणा इससे करेंगे तो 7 × 8 = 56 हो जाएगा, 1 × 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन दो बहुपदों का आपस में गुणा करते हैं। इसमें यदि मान लीजिए यदि इसमें एक स्टेप बढ़ गया तो हमको उसमें प्रोसेस का वैसे ही करना है। वैसे पहले संख्या का सभी में गुणा करना है, फिर दूसरी का सभी में गुणा करना है, फिर तीसरी का सभी में गुणा करना है। अब हम देखते हैं कि हम दो बहुपदों का आपस में भाग कैसे करते हैं। तो इनके लिए देख संख्या देख रहे हैं यहाँ पास हम 3x²
दो बहुपदों का भाग, एक अपने पास बहुपद दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, दूसरा बहुपद दिया हुआ है इसमें एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। हम इसमें इस बहुपद में इस बहुपद को हम भाग करेंगे, यहाँ पास तो भाग के लिए इसमें थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, सिंपली जब हम संख्याओं का भाग करते हैं तो भाग में क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है 219 है, इसमें हमको तीन का भाग करना है तो पहले क्या करते हैं, इसमें भाग में 3 7 21 ये आ गया, फिर एक संख्या उतारते हैं यहाँ पास, तो 3 2 9 हो गया। मान लीजिए यहाँ 8 भी होता तब क्या करते हैं, इसके बाद हम 8 उतारते हैं यहाँ पास, फिर 3 2 6, इस प्रकार से हम भाग की क्रिया करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब हम संख्याओं का इनका भाग करेंगे तो सभी संख्याओं को हम इकट्ठा सभी को उतारेंगे, हम उसको स्टेप बाई स्टेप अलग अलग संख्याओं को नहीं लेंगे, इसको अभी देख रहे हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो पहली संख्या दी हुई यहाँ पास 3x² दिया हुआ है, यहाँ भी पहला दिया एक्स प्लस वन है, तो हमको इसमें ही ध्यान देना है कि इस बहुपद का पहली संख्या स्टेप एक्स है, इसका पहला स्टेप 3x² है, तो हमको इस संख्या को इसके इक्वल बनाना है, या इसमें ऐसी संख्या गुणा कर दी जिससे 3x² हो जाए, या इसका एक स्टेप ऐसा भी है कि इसमें इसका भाग कर दें 3x² / x कर दें, तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 है, तो इससे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, एक अपना ये है, तो 3x मतलब क्या, इसमें गुणा करेंगे तभी हमको इसमें 3x² मिलेगा इसका पहला स्टेप, तो किसका गुणा करेंगे 3x का, जिससे गुणा करेंगे उसको यहाँ लिखना है 3x, तो जब 3x इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान कितना जाएगा 3x² हो जाएगा, और इसमें गुणा करना है, हम जिस संख्या का इसमें गुणा करेंगे उसका भी इस बात की सभी संख्या हमको गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3x² + 3x, घटाएंगे आपस में सभी का चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस घटेगा आप तो 3 से घटाएंगे तो कितना आएगा -2x और ये माइनस, आप देख रहे हैं यहाँ पास ये -2x है, यहाँ x है, तो हमको इसको -2x बनाना है, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें इसको भाग कर देते हैं, ये -2x है बटे x है, ये कैंसिल तो कितना बचेगा -2 बचेगा, अर्थात -2 को जब हम गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, तो यह लिख देंगे -2 और इधर हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -2, अब सभी जब घटाने में चिन्ह बदल जाता है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमने एक बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग दिया और देखा कि उसको हम भाग की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ 1 इसका शेषफल आया और भागफल कितना आएगा इसका 3x - 2 आ गया, इसको लिख सकते हैं शेषफल बराबर हो गया 1 और भागफल आ गया 3x - 2। इस प्रकार से बहुपदों का भाग करते हैं।
हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें एग्जांपल है 3x की पावर 4 -4x³ - 3x - 1। उसके बाद इसमें भाग कर अपने को x माइनस वन का भाग करना है, इसमें x माइनस वन का भाग करना है, इसको देखते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया कि हमको केवल इन संख्याओं को चेक करना है कि इसको हमको इस संख्या के बराबर करना है। बराबर करने के लिए इसमें इसका भाग करते तो हमको संख्या मिलती है जिसका हमको गुणा करना है। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ 3x की पावर 4 लिखा हुआ, यहाँ x लिखा हुआ, तो क्या करेंगे इसमें इसका भाग करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3x की पावर 4 / x हो गया। तो ये पावर 4, ये पावर इसकी 1 है, तो इससे जब घटाएंगे तो इसकी पावर 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3x की पावर 3। यानी हमको 3x की पावर 3 का इसमें गुणा करना, तभी ये संख्या इसके बराबर आएगी। और जब गुणा करेंगे तो इसमें भी हमको उसे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा जिसका गुणा कर उसको यहाँ लिखना है, ये संख्या हो जाएगी 3x4, ये हो जाएगा -3x3। अब आपस में घटा देंगे, ये कैंसिल हुआ और इनको घटाएंगे कितना आएगा -x³, और ये हो जाएगा -3x - 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ -x³ है, यहाँ x है, तो हमको क्या करना है इसको -x³ बनाना है। तो क्या बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसका भाग कर दें, यानी हो जाएगा -x³/x हुआ, तो इसकी पावर 3, इसकी पावर 1 है, तो एक पावर घटेगा 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -x² हो जाएगा। तो यहाँ जिस किससे गुणा करना पड़ेगा हमको -x² का। अब क्या करेंगे इसको गुणा कर, इसका मान कितना है गुणा करने में इसका -x³, इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +x² आप इनके चिन्ह घटाएंगे तो इनके आपस में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, क्योंकि इसकी इसका जो घातांक 2 है इसका घातांक 1 है, तो ये आपस में अलग अलग रहेंगे, इन ये आपस में घटेंगे जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि वही संख्या आपस में प्लस होती है माइनस होती है जिनका घातांक समान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा -x² - 3x - 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ -x² दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या करेंगे इसमें इसका भाग करेंगे, -x² / x है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 से घटाएंगे 1 आएगा, यानी -x आया, यानी हम क्या करेंगे यहाँ पास -x गुणा करेंगे, तो हो जाएगा -x² और -1 प्लस हो जाएगा, यानी +x आया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये संख्या आपस में कैंसिल हुई, और इनको देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा -4x - 1 हो जाएगा। अब फिर देख रहे हैं यहाँ पास -4x है, यहाँ x है, तो क्या करेंगे इसके लिए -4x में x का भाग करेंगे, तो क्योंकि दोनों के पावर सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -4, यानी हमको क्या करना है पास -4 गुणा करना है, इधर आ जाएगा -4x और ये हो जाएगा +4, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा -5। तो हमने देखा यहाँ पास इसका शेषफल कितना आ गया, -5 आ गया। हमको भाज्य क्रिया तभी तक करना है जब तक कि इसका जो शेष फल है
इसके भाजक से कम आए या उसके कम पावर का है तभी तक उभागी क्रिया करनी है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि हम लोग बहुपदों का बहुपद कैसे परिभाषित करते हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं और कैसे पहचानते हैं कि दिया गया बहुपद है कि नहीं है, उसका घातांक कितना है, उसमें दिए गए चरों का गुणांक कितना है। इसमें यदि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और जो भी दिक्कत आएगी उसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, नया वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो नए लोग इस चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे सभी लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।